हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितेश खन्ना और आज मैं आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करूंगा। जरा एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपसे क्या क्या बातें डिस्कस करी थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया था। मैंने बताया था देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेशरी। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किस किस सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे के कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने आज हिंदी में भी लिखा हुआ है अल्प बेरोजगारी। ये क्या स्थिति होती है, किसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपने बेरोजगारी का मतलब सुना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपने सुना होगा। जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है बट उसे काम नहीं मिल रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं, और उसकी ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन अपनी पोटेंशियल के हिसाब से उसे अभी काम नहीं मिल रहा है। मतलब वो व्यक्ति आपको लगेगा कि काम कर रहा है लेकिन वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहा जो उसकी काबिलियत है, या उतने पैसे वो नहीं कमा पा रहा जो उसकी काबिलियत है। तो ऐसी स्थिति को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ये शहरों के अंदर बहुत देखने को मिलती है। हम शहरों के अंदर देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसे यूथ हैं जो अच्छी खासी डिग्री होल्डर हैं लेकिन आज भी उनको अपने देश के अंदर उस हिसाब से जॉब नहीं मिल पाता जितनी उनकी डिग्री है या जी उनकी काबिलियत है या जो उनकी पोटेंशियल है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। वो स्थिति में काम नहीं कर रहे जहां वो करना चाहते, परंतु वो खाली नहीं बैठेंगे, वो काम करते हैं। तो ऐसे स्थिति को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो आगे के टॉपिक के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बहुत बड़ा एक एक्ट का नाम है। हिंदी में इसको अगर शॉर्ट में हम देखें तो इसको हम मनरेगा कहते हैं। व्हाट इज मनरेगा, मनरेगा का मतलब क्या है, 2005, मनरेगा 2005। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मनरेगा हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए चलाया जाने वाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ फीचर्स थे, मैं एक एक करके उन फीचर्स के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मनरेगा के तहत गांव के अंदर जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता था उसको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार यानी मोर देन 3 मंथ का रोजगार सरकार द्वारा दिया जाता था। इन केस अगर सरकार रोजगार देने में असमर्थ रहती है तो उसके खाते में जिस व्यक्ति ने मनरेगा के लिए अप्लाई किया हुआ है उसके खाते में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। जाता है क्योंकि ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। अगर हम देखें ग्रामीण इलाकों में जो आज एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है वो है मनरेगा। मनरेगा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो 2005 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। और बड़ी मजेदार बात यह है कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से आज की जो सरकार है उसने भी इस प्रोग्राम को अपनाया हुआ है, और आज भी ग्रामीण इलाकों में ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। So, आगे के बात करते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आजकल जो हमारे देश के अंदर स्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से, आपने देखा है कि बड़े बड़े काम धंधे ठप हैं और बहुत बड़ा मजदूरों का पलायन आपने देखा है अपने देश के अंदर। ये टॉपिक को समझने में हमें बहुत आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। आमतौर पे इसके अंदर सभी वो जॉब्स या सारे वो गतिविधियां आती हैं जो सरकार पर जिनका नियंत्रण होता है उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है कि प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। संगठित क्षेत्र,
संगठित क्षेत्र का मतलब है ऑलमोस्ट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं ये सारी की सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए व्यक्ति को मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक अगर हम देखें उसकी पे के अलावा बहुत सारी और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और हर कोई आज के समय में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है मैं उसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। आज आपने देखा जिस तरीके से बड़े बड़े काम धंधे बंद हो गए हैं, तो हमारे बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, हमारे रेड़ी पटरी वाले लोग हैं, किस तरीके से वो बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा नहीं है, वो एक संगठित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वो एक असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। जो सरकार द्वारा रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनमें कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई कार्य का एक समय सीमा नहीं होती है, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है कि आपको 8 घंटे ही काम करना है तो 8 घंटे के लिए ही आप ऑफिस जा रहे हैं। अगर 8 घंटे से आप ज़्यादा काम करते तो उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई काम के घंटे नहीं होते, आपका जॉब सिक्योर नहीं होता है। यहाँ पर आपका जॉब सिक्योर है, यही कारण है कि आज आपने देखा है कि काम धंधे बंद होने के बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो किस तरीके से सड़कों पर आ गए हैं। इतने ज़्यादा वो लोग लाचार हो गए हैं कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास अपना किराया देने के लिए, जो अपने घर का किराया है वो देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और वो लोग अपने गाँव जाना चाहते तो उनके लिए, उसके लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, आज के अगर हम देखें, आज के समय के अनुसार अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में हमें नजर आता है। सो संगठित क्षेत्र का मतलब होता है सरकार द्वारा रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स एक ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट के किसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और अगर देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति आती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और हमारे देश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सो अब आपको समझ आ गया होगा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं आगे बढ़ता हूँ और लाता हूँ अपने इस वीडियो के सबसे आखिरी टॉपिक को, जिसके अंदर मैंने बात करी है ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ टेरेस्ट्री सेक्टर। टेरेस्ट्री सेक्टर ये जो हमारा थर्ड सेक्टर था, तृतीय क्षेत्र था हमारी इकोनॉमी का, उसको बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में चेंज हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने थर्ड सेक्टर यानी टेरेस्ट्री सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें, बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं ऐसे कई डेवलप कंट्री के उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं जापान का उदाहरण देता हूँ, मैं देखता हूँ कि जापान के अंदर एक बड़ा पार्ट उनकी पॉपुलेशन का टेरेस्ट्री सेक्टर में लगा हुआ है, तभी वो देश इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो खेती बाड़ी है, कृषि है, वो आपका पेट तो भर सकती है लेकिन आपकी जेब नहीं भर सकती। इसलिए हमारा देखा है कि किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब टेरेस्ट्री सेक्टर के लिए हम लोग क्या करें? टेरेस्ट्री सेक्टर को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है शिक्षित होना। अगर हम लोग शिक्षित होते हैं तो वो हम एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, चाहे हम टीचर का काम कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर का काम कर रहे हैं, चाहे हम इंजीनियर बन रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में हम लोग आ रहे हैं, तो टेरेस्ट्री सेक्टर। और पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि टेरेस्ट्री सेक्टर लगातार बढ़ा है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से टेरेस्ट्री सेक्टर हमारा बढ़ता जाएगा, तृतीय क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का बढ़ता चला जाएगा, हमारा देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा एक चैप्टर था जिसको मैंने 2 पार्ट्स में आपको समझाया, एक पिछला पार्ट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, और एक ये पार्ट जिसमें मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आसान तरीके से आपके दोस्त भी इस चैप्टर को समझ पाए, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। अगली वीडियो के अंदर मैं इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय।